दोस्तों आज के इस वीडियो में मिक्सी का छोटा वाला जार रिपेयर करने के लिए मैं बताने जा रहा हूँ। ये चटनी जार है, ख़ासतौर से इसमें हम लोग थोड़ा सा मसाला या चटनी ही पीसते हैं। तो ये देखो, सबसे ज़्यादा इसका ही उपयोग होता है दोस्तों, इसके लिए मैक्सिमम टाइम ये ही ख़राब होता है। तो ये देखो, ये ढक हो गया है ना, और जब इसे घुमाता हूँ तो ये खड़खड़ की आवाज़ के साथ घूमता तो है, बट लगता है जैसे कि भाई कुछ एक्सीडेंट होने वाला है। ये देखो, और इसके साइड में भी ये आप देख लो कैसे ये झटका मार मार के साइड से ओपन हो गया है। तो चलिए इसको सबसे पहले खोल लेते हैं। तो सबसे पहले खोलते हैं ये दोनों नट, ये तीन नट है यहाँ पे। आप इसे बिना खोले भी इसका बूस निकाल सकते हो, बट इसको हम खोल लेते हैं क्योंकि इसका देखने से ही लग रहा है कि बूस इसका इतना ढक हो गया है कि इसे निकाल के फेंकना ही पड़ेगा। तो नट खोल लेते हैं सबसे पहले। दोस्तों आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखो क्योंकि आपको इसमें पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि नट नहीं खुलता है, जैसे ये देख लो, दो नट तो हमने आसानी से खोल दिया बट ये नहीं खुल रहा है। तो इसको खोलने का एक आसान तरीका ये है कि इसमें कुछ हम लोग कुछ बूंद तेल दे देंगे और ये कुछ देर के बाद खुल जाएगा, या फिर 10-12 घंटा इसको छोड़ना पड़ेगा। और ये अब इसे हम इसकी ऊपर वाले नट को खोलेंगे, नीचे का पुली को भी खोलेंगे। आपको ध्यान देना है दोस्तों, इसे उल्टा खोलना है। जैसा आप सोचते हो कि ये टाइट हो रहा है वैसा ही आपको खोलना है, क्योंकि ये रिवर्स में टाइट रहता है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि ये रिवर्स में खुलेगा, यानी जिधर साइड से आप सोच रहे हो कि टाइट होगा उधर साइड से ही ये खुलेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इसे सीधा साइड से खोलते हैं और फिर ये टाइट होता चला जाता है। तो आप इसे उल्टा खोलो, रिवर्स क्लॉक में ही इसे खोलना है। तो ये देख लो, रिवर्स क्लॉक में हमने इसे खोला और ये खुल गया, और ये प्लेट भी हमने बाहर कर दिया। इसके प्लेट को जैसे ही नीचे किया, ये कई बार ऐसा होता है कि ये सटा हुआ रहता है, सटा हुआ नहीं, ये झटके के साथ ताकत लगने के बाद ये इसमें चिपक जाता है, बट अभी ऐसा है नहीं। एक वॉशर भी इसके नीचे था, इसे भी हम निकाल लेते हैं। और एक नट तो खुला नहीं है, तो चलो इसके बूस को पहले निकाल लेते हैं। तो बूस को निकालने के लिए हमें इसके इस पुली को पकड़ना है और यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके ताकत लगाना है। बहुत ज़्यादा ताकत मत लगाना, या फिर फ्लास्क का उपयोग भी आराम से ही करना, नहीं तो ये प्लास्टिक आइटम है, टूट जाएगा। ये देखो, ये हमने इसे खींच के निकाल लिया। ये थोड़ा गर्म भी हो रहा था लगता है, इस वजह से थोड़ा प्लास्टिक भी इसकी थोड़ी थोड़ी गर्म हुई है, इसके कारण देखने से लग रहा है कि भाई थोड़ा कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पर। और ये देखो, ये इसका बूस और बूस का जो सेफ्टी के लिए प्लास्टिक दिया जाता है वो पूरी तरह से गल गया है। दोस्तों ये आपको पूरा सेट ही मार्केट में मिल जाएगा। ये देखो, ये नट नहीं खुल रहा है, और ये इसके बूस के साथ जो, अब इसे खोल के थोड़ा निकाल लेते हैं, बूस के साथ जो प्लास्टिक लगी हुई है वो पूरी तरह से गल गया है। ये देखो, ये यहाँ पे एक नट भी है, एक बूस का वाशर है, और ये बूस के ऊपर लगी प्लास्टिक पूरी तरह से गल गई है। और ये बूस के अंदर जो रॉड रहता है ये भी स्क्रैच हो गया है इसमें भी। अब चलिए इस साइड का पुली को खोलते हैं, इसे भी आपको उल्टा ही खोलना है। ये देखो, थोड़ा ताकत लगाएंगे, ये फिसल रहा है। ये देखो, थोड़ा सा ताकत लगाएंगे और ये ओपन हो जाएगा। दोस्तों आपको ध्यान देना है, ये रिवर्स क्लॉक में खुलेगा, यानी उल्टा साइड खुलेगा। आप सीधा यदि खोलोगे तो ये नहीं खुलेगा। फर्स्ट टाइम हमने भी एक बार ऐसा हुआ था कि मैं इसे ध्यान में नहीं रहा हमारा, और मैं इसे सीधा खोल रहा था, ये नहीं खुला, क्योंकि आप यदि सीधा खोलोगे तो ये टाइट होगा। और जब इस बूस में इसको डाल रहे हैं, इस पुली को डाल रहे हैं, तो ये देखो कितना गैप बन रहा है। ये देख लो, ये साइड से गैप बन रहा है। बूस दोस्तों आपको जो ख़रीदना है वो आपको तांबे का ही ख़रीदना है, देख लेना, लोहे का बूस मत खरीदना, क्योंकि दोनों यदि लोहा रहेगा तो बहुत जल्दी घर्षण होगी। ये देख लो इसमें जो गैप है, और ये आसानी से आपको उपलब्ध है, कोई भी इलेक्ट्रिक शॉप जो इलेक्ट्रिक पार्ट्स बेचता है आप उसके पास जाओगे तो ये दोनों सेट आपको मिल जाएगा। दोनों सेट लाके आप इसे चेंज कर देना, बहुत ही आसान है, जैसे हमने खोला वैसे ही ये टाइट हो जाएगा। और ये सेट, पूरा सेट ही आपको ले लेना है मार्केट जाके, ये पूरा सेट ही आपको इस तरह से मिल जाएगा।
अप्रॉक्स दाम भी हमें लगता है 100 रुपया के अप्रॉक्स लगेगा, या उससे थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, बट 100 रुपया ही लेना चाहिए नियमतः। 40 रुपया इसका बूस का दाम है और नीचे का प्लास्टिक का 60-70 रुपया जो ले ले वो। बट अगर आप इसे रिपेयर कर लिए यदि किसी को देते हो तो वहाँ पे और भी ज़्यादा बिल बनेगा, 250-250 का बिल बनेगा। बट अगर अपने से आप रिपेयर करते हो, मात्र 3 नट पे ही ये टिका हुआ है, बहुत ही आसानी से जैसे हमने खोला वैसे ही ये टाइट भी होगा। तो अगर आप अपने से घर पे रिपेयर करते हो तो निश्चित है कि आपको 100-150 रुपये की बचत हो जाएगी। दूसरी बात कि अपने से जब आप ठीक करते हो किसी भी गैजेट को तो आपको ज़्यादा खुशी होती है। और अगर आप सीखना चाहते हो तो आप सीख भी जाओ इस वीडियो के ज़रिए। ये इसका प्लेट है, ये पुली है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप ये पूरा सेट मार्केट से ख़रीद लेना और इसे नया लगा लेना, अभी हमारे पास है नहीं। जब मैं इसे लगाऊंगा तो उसका ही वीडियो मैं डाल दूंगा। तत्काल तो मैं वीडियो को यहीं पे अंत कर रहा हूँ, बट निश्चित है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको पूरा सेट ठीक करने का बताऊँगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों में भी शेयर करो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।